11:30 बज गए और भाई साहब का कोई अता पता नहीं। लगे होंगे बाजार के चक्कर चक्कर कोने कोने ढूंढने के लिए कि अपनी रस्सों को क्या तोहफा दूं। घाघरा दे देता हूँ, चूड़ी दे देता हूँ, नहीं फोन ही दे देता हूँ। कोई जाकर ये भाई साहब को बताए कि उनकी जो एक राखी है ना, जो वो मेरी कलाई पे बांधते हैं, वही काफी है। दुनिया के सारे रीति रिवाज तोड़कर वो मेरी कलाई पे राखी बांधते हैं। और क्यों ना बनवाओ मैं राखी, बताइए आखिर कहाँ लिखा है कि ये जो राखी का त्योहार है उस पर बहन ही भाई को राखी बांधेगी? कहीं भी नहीं ना। तो मैं अपने भाई से राखी बनवाती हूँ। और क्यों, एक भाई ही सारा बोझ ढोए बहन के लिए क्या करना है क्या नहीं? एक बहन भी तो जरूरत पड़ने पर भाई की ढाल बन सकती है। और वैसे भी बापू साहब के खत्म होने के बाद ना हमने बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है। भाई साहब ने कदम कदम पर मारा साथ दिया है, तो अब मारी बारी है कर्जा उतारने की, भाई साहब का साथ देने की। बचपन में कहती थी ना कि छोटी हूँ तो भाई साहब की पूछूं, बड़ी हूँ तो भाई साहब की मूछूं। लो हो गई मैं बड़ी, अब मैं ऐसी मूछूं अपने भाई साहब की कि जो सिर्फ तीर की तरह आसमान की ओर देखेगी। अपने भाई साहब का आत्मसम्मान, मैं उनकी मूछ को कभी भी धरती की तरफ ना देखने दूंगी। ये मेरा वादा है अपने भाई साहब से ही नहीं, अपने आप से भी। फिर चाहे मारे को अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, पर ये वादा टूटेगा नहीं।